Assalamu alaikum everyone. Today we'll be discussing each and everything about sunblock. Sunblock versus sunscreen. Kitna lagana chahiye, kitni miqdar lagani chahiye, kab lagana chahiye, kab reapplication karni chahiye, kaun se ingredients hain which makes the sunblock a perfect sunblock choice aur kaun se ingredients hain jo itne acche nahi hain sunblock ke hawale se. So everything in this episode, stay tuned. This is Dr. Amna Osman. We're running a largest chain of aesthetic clinics in twin cities of Pakistan, Rawalpindi and Islamabad. Welcome to my YouTube channel. Agar aapko hamara content pasand aa raha hai, interesting lag raha hai aur aap usse mustafeed ho rahe hain, to do consider subscribing to our channel. हम अपनी prior सारी videos के अंदर sunblock की importance आपको बताते रहे हैं, आपकी सारी routines के अंदर sunblock आपको guide करते रहे हैं कि अगर आपने एज नहीं होने देना स्किन को तो क्या करें, सनब्लॉक लगाएं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन डल या डुअल टोन ना दिखे तो सनब्लॉक पहनें. अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ देर से आएं या हाथों पर देर से आएं तो सनब्लॉक पहनें. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर सोलर स्पॉट्स ना बने तो सनब्लॉक पहनें. अगर आप ब्राइटर फ्रेशर स्किन चाहते हैं तो सनब्लॉक पहनें. अगर आप चाहते हैं कि मलाजमा आपकी स्किन को ना छुए तो सनब्लॉक पहनें. तो ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्किन केयर के हवाले से, तो इसको डिस्कस करना भी जरूरी है. आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू यू. सनब्लॉक है क्या? सनब्लॉक किसी भी फॉर्म में, लोशन, क्रीम, फेस मास्क, स्टिक, एनी सॉर्ट ऑफ क्रीम दैट हेल्प्स योर स्किन टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेडिएशन इज अ सनब्लॉक. आज हम स्पेसिफिकली टॉपिकल सनब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे. टॉपिकल सनब्लॉक ये कि वो क्रीम या वो लोशन या वो पाउडर्स या वो स्टिक्स जो आप स्किन के ऊपर लगाते हैं और आपकी यूवी रेडिएशन को वो रोकते हैं, इसको टॉपिकल सनब्लॉक कहते हैं. टॉपिकल सनब्लॉक्स आइडियली टू टाइप्स के होते हैं, आइदर फिजिकल और केमिकल. जो फिजिकल सनब्लॉक होता है उसको सनब्लॉक कहते हैं और जो केमिकल सनब्लॉक होता है उसको जनरली सनस्क्रीन कहते हैं. और कुछ सनब्लॉक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें फिजिकल सनब्लॉक्स भी अवेलेबल होते हैं, केमिकल भी अवेलेबल होते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सनब्लॉक एंड अ सनस्क्रीन. सो दिस इज वेयर अ डिफरेंस ऑफ सनब्लॉक एंड सनस्क्रीन कम. बोथ एक्चुअली वर्क्स टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवी रेडिएशन, लेकिन डिफरेंट तरीके से. जो फिजिकल सनब्लॉक्स हैं वो आपके स्किन के ऊपर यूवी लाइट को पेनिट्रेट करने ही नहीं देते और रिफ्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द फिजिकल इंग्रेडिएंट्स दे हैव. दे मेक अ फिल्म ऑन योर फेस जो रिफ्लेक्ट करती है यूवी रेडिएशंस को, एंड दे आर अ प्रेफर्ड चॉइस ऑफ सनब्लॉक्स टू बी अप्लाइड ऑन द स्किन. द अदर टाइप इज अ केमिकल सनब्लॉक और अ सनस्क्रीन. इस टाइप के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो क्रीम्स और लोशंस के अंदर मिक्स किए जाते हैं. व्हेन यू अप्लाई इट एब्जॉर्ब्स द UV radiations and null and void them. ये कुछ कुछ radiations को फिर भी 100% blockade नहीं देते और कुछ कुछ radiations फिर भी इन creams के साथ penetrate कर जाती है. लेकिन while choosing for both, physical sunscreens greasy और white cast skin के ऊपर डालते हैं तो हमारे कुछ clients को वो लगाना पसंद नहीं होता. हालांकि physical sunblock is a preferred choice to be applied on the face or on the other parts of the body exposed to the sun. While choosing a sunscreen, what factors you need to decide upon? एक तो सबसे पहले ये कि you have to look into the इंग्रेडिएंट्स के, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, वो पोटेंट सनस्क्रीन्स हैं या नहीं है एक. दूसरा ये कि आपको देखना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, कैसी है. तीसरा आपको ये देखना है कि आपको लगा के एस्थेटिकली या कॉस्मेटिकली किस चीज के साथ कंफर्टेबल हैं. बिकॉज ना लगाने से बेहतर है कि थोड़ा लेस पोटेंट सनस्क्रीन लगा ले, लेकिन लगाए जरूर बिकॉज इट विल सेव यू फ्रॉम मेनी अदर प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस इन कमिंग फ्यूचर इफ यू नॉट अप्लाइंग सनब्लॉक. तो जब आपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, देयर आर टू इंग्रेडिएंट्स इन अ फिजिकल सनब्लॉक, दैट इज अ टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ये, आपके रेज को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं या आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं जो आपके यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते रहती है और वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देते. सो इफ द सनब्लॉक यू आर कंफर्टेबल विद हैज दीस इंग्रेडिएंट्स इज एक्सेलेंट. अदरवाइज केमिकल सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर लेस पोटेंट लेकिन स्टिल इफेक्टिव. सो ना लगाने से लगाना बेहतर है. यू हैव टू फाइंड अ कंफर्टेबल सनब्लॉक फॉर यू. आपको वाइट कास्टिंग चाहिए, यू कैन गो इन अ कलरलेस सनस्क्रीन. आपकी ऑयली स्किन है, यू डोंट हैव टू अप्लाई टू क्रीमी सनब्लॉक्स ऑन योर स्किन बिकॉज वो आपको कॉमेडॉन्स बना देंगे, क्लॉक पोर्स कर लेंगे. उसमें भी अगर आपकी ऑयली स्किन है, सीबम कंट्रोल जेल्स के अंदर आप जा सकते हैं या रनी या वॉटरी सनब्लॉक्स के अंदर आप जा सकते हैं या कोई क्रीम्स, नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम्स जो होती हैं, नॉन कॉमेडोजेनिक सनब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर आप जा सकते हैं. अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है फिर तो आप कोई भी सनब्लॉक अप्लाई कर सकते हैं. इवन फिजिकल सनब्लॉक्स आर एक्सेलेंट चॉइस. जो इमोलियंट्स के साथ भी सनब्लॉक्स आते हैं, यानी आप मॉइस्चराइजर कंबाइंड विद अ सनब्लॉक, वो भी आप चूज
कर सकते हैं फॉर एन एक्सट्रीमली ड्राई स्किन. फॉर अ कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ स्किन यू कैन चूज आइदर ऑफ द टू. आपको ड्राई स्किन का आप लगा रहे हैं एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट, यू कैन कंटिन्यू. बट फॉर अ कॉम्बिनेशन स्किन इवन यू हैव टू चूज अ नॉन कॉमेडोजेनिक सन ब्लॉक. आमतौर पर जो फिजिकल सन ब्लॉक्स होते हैं वो जनरली नॉन कॉमेडोजेनिक होते हैं, और अगर केमिकल सन ब्लॉक्स में आ जाए तो सीबम कंट्रोल जेल्स होते हैं वो भी नॉन कॉमेडोजेनिक होते हैं. सो यू हैव टू चूज द इंग्रीडियंट्स, यू हैव टू चूज द टाइप. सो व्हेन यू टॉक अबाउट वेयरिंग अ सन ब्लॉक अंडर वाटर ओवर द माउंटेन्स जहां पे आपके सनलाइट की रिफ्लेक्शन भी ज्यादा है और उसके जो बैड इफेक्ट्स है ओवर द स्किन वो भी यू नो मल्टीफोल्ड हो जाते हैं. वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक्स पहने. वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक मस्ट बी फिजिकल सनब्लॉक प्रेफर्ड चॉइस. बट आइदर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप केमिकल की तरफ जा सकते हैं. बल्कि आई वुड लाइक टू यू नो नोटिफाई हेयर, आप हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, वहां पे आपको यू टू मच एक्सपोज टू सनलाइट, और जब आप वापस आते हैं आपका दो रंग का जल्द होता है, बहुत टाइमिंग हो चुकी होती है. हम जनरली सोचते ये हैं कि हिली एरियाज पे जा रहे हैं, मौसम ठंडा है तो सनब्लॉक की क्या जरूरत. सनब्लॉक इज फॉर यूवी रेडिएशन, इज नॉट फॉर हीट. यू नो धूप के साथ दो एलिमेंट्स हैं, एक हीट का और एक यूवी रेडिएशन का. हमें हीट से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी हम यूवी रेडिएशन को टारगेट कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सनब्लॉक. तो अगर आप माउंटेन्स के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर या यू नो हाइकिंग करने जा रहे हैं, हिली एरियाज के ऊपर घूमने जा रहे हैं, तो माउंटेन से जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड. सेम गोज विद वाटर एरियाज. अगर आप ओशंस पे जा रहे हैं घूमने, रिवर साइड्स के ऊपर जा रहे हैं, वेयर प्लेंटी ऑफ सनब्लॉक, बिकॉज अगर आपको वाटर से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रही होती है वो भी मेनी फोल्ड्स आपको बैड इफेक्ट्स दे रही है स्किन के ऊपर. कोई भी वाटर एरियाज के ऊपर वाटर एक्टिविटीज करने जा रहे हैं तो वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक्स पहने ताकि वो आपके वाटर के साथ वॉश ऑफ ना हो जाए. खासतौर पर अगर आपकी स्किन बहुत स्वेटी है तब भी यू कैन चूज फॉर अ वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक्स. ओके, सनब्लॉक को अप्लाई कैसे करना है? आप मेकअप के साथ सनब्लॉक को क्यों जस्टिफाई नहीं कर सकते? बिकॉज अगर आपका मेकअप है SPF 15 और आप डिजायर्ड क्वांटिटीज नहीं लगा रहे जितनी जरूरत है तो वो हार्डली SPF 5, SPF 4 या SPF 3 जितना बेनिफिट करेगा. तो आपने अगर फाउंडेशन लगाना भी है, आपका जो पहली लेयर होनी चाहिए वो सनब्लॉक की होनी चाहिए. ऊपर आपने जो मेकअप करना है यू कैन अप्लाई. और जब आपने सनब्लॉक चूज करना है, आपने वो चूज करना है जो आपके फाउंडेशन के साथ कंपेटेबल हो, वो आपके फाउंडेशन को क्रैकी ना कर दे, ग्रीसी ना कर दे या यू नो ग्रे ना कर दे. और एल्स वाइज यू जनरली अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर और अ डे रूटीन, डे सीरम्स, डे क्रीम्स. तो उसके बाद जो फाइनल लेयर होनी चाहिए वो जनरली सनब्लॉक की होनी चाहिए. सिर्फ मेकअप में हम सनब्लॉक पहले लगाते हैं बिकॉज वो आप बाद में लगा नहीं सकते वरना आपका मेकअप खराब हो जाता है. ओके, सो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ सनब्लॉक शुड बी अप्लाइड ऑन द स्किन? इसमें यह है कि इसमें जो गाइडलाइंस हैं दैट सेज 2 mg पर स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी मिलीग्राम एंड हाउ मच सेंटीमीटर एंड स्टफ लाइक दैट. बट जनरली जो उसका एक ऑल्टरनेट रूल निकला है वो है आइदर 2 finger मेथड और 1/4 teaspoon फॉर अ नॉर्मल फेस. अब जाहिर बात है आपके सर्फेस एरियाज फर्क होते हैं, किसी का मुंह थोड़ा बड़ा है, किसी का थोड़ा छोटा है, तो 2 finger मेथड इज एक्सेलेंट चॉइस. उसका मतलब यह है कि आप यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक क्रीम को अप्लाई कर लें और वो जितना क्रीम हो उसको आप फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज फॉर अ फेस. बॉडी के लिए सर्फेस एरिया अलहदा है, वो कोई 1/2 ounce है आपने जब बॉडी के ऊपर लगाना होता है. कितना लगाना है ये हमने आपको बता दिया है, कब दोबारा लगाना है. आइडियली एवरी 2 hours इज रेकमेंडेड सनब्लॉक. नॉट बिकॉज कि वो बिल्कुल ही काम करना खत्म हो जाता है, बट बिकॉज इट स्टार्ट्स टू लूजिंग इट्स सन ब्लॉकिंग कैपेसिटी. लेकिन हर 2 घंटे के बाद सनब्लॉक लगाना जनरली इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल. तो हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि 4-6 hours के बाद, या आपने सुबह लगा लिया और जब आपने दोबारा वजू किया उसके बाद आपने लगा लिया, बिकॉज वजू यानी स्प्लैशिंग वाटर ऑन योर फेस या रबिंग योर फेस और ड्राइंग इट विद अ टॉवल कैन वॉश ऑफ द सनब्लॉक. तो यू कैन रीअप्लाई. एक चीज मैं और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगी, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम जनरली गाड़ी में बैठते हैं तो इसलिए हमें सनब्लॉक लगाने की जरूरत है बिकॉज गाड़ी ठंडी होती है. यू नो सेम गोज विद द पॉइंट कि सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, स्प्रिंग है, ऑटम है, कम धूप है, ज्यादा धूप है, इट इज एवरीथिंग विद द हीट. Wherever you can, your eyes can see sunlight, you should be wearing sunblock on your exposed parts. All the exposed parts का मतलब ये है हाथों पर भी लगाएं, पांव पर भी लगाएं, नेक के ऊपर भी लगाएं, फेस के ऊपर भी लगाएं. और बेशक कम धूप है, बेशक आपका टेम्परेचर कम है, लेकिन हर उस जगह जहां पे आपको सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है सनब्लॉक आपके exposed parts के ऊपर लगा होना चाहिए. अगर आप गाड़ी में भी बैठे हैं और AC ऑन भी है और विंडोज क्लोज भी हैं तो डेफिनेटली आपकी विंडोज जो है UVABC फिल्टर नहीं कर रही होती सारा, तो आपको सनब्लॉक गाड़ी के अंदर भी ड्यूरिंग ड्राइविंग लगाना चाहिए. Now what should be a sufficient SPF? Well, the guideline
science says SPF 40 above is okay. But you know, when you're going on the glaciers for hiking, when you're going in the mountain areas, जब आपने exposed बहुत ज़्यादा होना है, हज में जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, पानी के नीचे जा रहे हैं या watery areas के ऊपर जा रहे हैं, vacations के लिए जा रहे हैं, तो I'll appreciate if you can apply SPF 100. SPF है क्या चीज़? It is a sun protection factor. Sun protection factor का मतलब ये है कि you know कितने folds sunlight को बढ़ाया जाए कि आपकी skin को burn cause करे. यानी if you're wearing SPF 40, इसका मतलब है 40 fold sunlight को बढ़ाएं तो skin burn होगी. So you know when you're running around in normal routine, थोड़ा बहुत बाहर जाना है और फिर office job ही है, office के अंदर ही रहना है या covered zones में ही रहना है, तो SPF 40 भी sufficient है. और generally हमारी वो खवातीन जो घर में होती हैं और पूछती हैं कि हम सुबह उठ के सन ब्लॉक लगाएं या ना लगाएं, देखें जनरल रूटीन के अंदर आपका बेल होगा, आपने बाहर गेट खोलने जाना है, आपने बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना है, आपने किचन में खड़े होना है, विंडो है उधर से धूप आ रही है, फिर शाम को आपने इवनिंग टी के लिए अगर बाहर लॉन में बैठना है तो आप सन एक्सपोजर है, लाउंज के अंदर बैठे हैं, विंडोज हैं बड़ी बड़ी तो सन एक्सपोजर्स हैं, जब आप सिटिंग एरियाज के अंदर भी बैठे हैं तो यू एक्सपोज टू लाइट. तो जनरली आई रेकमेंड, सिंस उसको लगाने का कोई नुकसान नहीं है, तो द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग इज अप्लाई योर सन ब्लॉक, ताकि आप ये जो छोटे मोटे यू नो हाउस होल्ड काम कर रहे होते हैं, कपड़े टांगने बाहर चले गए, उतारने चले गए, गेट पे देखने चले गए, तो वो आपको कॉन्शियसली हर एक्टिविटी से पहले सन ब्लॉक ना लगाना पड़े. आपने सुबह सन ब्लॉक लगा लिया, दोपहर को उसको दोबारा लगा लिया, दैट कैन बी अ गुड डे. एंड देन पीपल आस्क क्वेश्चन कि हम जब चूल्हे के सामने जाते हैं तो सन ब्लॉक लगाना चाहिए कि नहीं. आई मीन व्हेन वी से कि आप किचन में जाते हुए सन ब्लॉक लगाएं, इट्स नॉट बिकॉज आपको चूल्हे से प्रोटेक्शन चाहिए, वी से बिकॉज किचन में विंडोज होती हैं और आपको 2-3 घंटे आमतौर पर खवातीन को विंडोज के आगे या किचन के अंदर गुजारने पड़ते हैं, इसलिए हम सन ब्लॉक को बता रहे होते हैं. नॉट दैट कि आप रात को चूल्हे के आगे काम कर रहे हैं तो आप सन ब्लॉक लगा कर रहे हैं, नो, इट इज फॉर सन रेडिएशन. सो कीप प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम सन, कीप अप्लाइंग सन ब्लॉक, कीप एंजॉयिंग योर यूथ फॉर लॉन्गर. अगर आपको ये कॉन्टेंट हेल्पफुल लगा है और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब आवर चैनल.